हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता, इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप हमें रात भर संभालेंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको सुबह से लेकर के अभी तक सुरक्षित रखा। आप हर तरीके सुरक्षित हैं और आपके परिवार के लोगों को, आपके बच्चों को, आपके घर को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। हमारा यही अधिकार है हमारे पास, जो परमेश्वर को हमें देना चाहिए, हमें उसको धन्यवाद करना चाहिए, हमें आशीष के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए दुआ करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें और दूसरों के जीवन से प्रेम कर सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यों, आज परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए आप करिए क्योंकि पिता आपको हर पल संभालता है। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, आदर नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा, एक बात आप सोचिए, इंसान आपकी कोई इंसल्ट कर देता है समाज में, या फिर आप देखते होंगे तो उसे कितना बुरा लगता होगा, आपको भी लगता होगा। यदि कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आपको कितना, यदि वही व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता, आपसे प्यार करता, आपको आदर करता, आपको सम्मान करता है, तो आपको अच्छा लगेगा और उसके प्रति आपका प्रेम रहेगा। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर ने तो सब कुछ दिया ही है। और जो कुछ आप आज देख रहे हैं अपने आंखों के सामने और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, परमेश्वर केवल आपसे ये मांगता है कि आप उसे धन्यवाद करें। सुबह और शाम, इस रात्रि के समय खुदा आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। अपने मन को साफ रखें, अपने दिल को साफ रखें, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्यो, मैं जानता हूं कि मेरे मसीह भाई बहन हर एक समाज से लोग हैं, हर एक धर्म से लोग हैं, जो प्रार्थना को सुनते हैं और अपने मन में ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करेगा, यानी परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और ही कहता है। यदि आपको अपने जीवन को बदलना है तो बहुत बारीकी से आपको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है। जैसे मैं वचन उठा लूं, नीति वचन अध्याय 5, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन का मतलब यही होता है कि हमारी नैतिक जीवन कैसी है, हमारी दिनचर्या कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। ये परमेश्वर को बहुत, यानी आपने आपके लिए और परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे प्यों, यदि हमारी सोच नहीं अच्छी होगी, यदि हमारी थिंकिंग नहीं अच्छी होगी, तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए बहुत बारीकी से आपको समझना है, जितने यंग लोग हैं और जितने वृद्ध लोग हैं, उनको भी इस बात को समझना है कि आपको बच्चे को कैसी शिक्षा देना है और कैसे उन्हें बड़ा करना है, कैसे उन्हें तैयार करना है, ताकि वो समाज के हर एक प्रकार की बुराइयों से बच सकें। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यों, जब हम 5 पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन पहले 4 में क्या कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। यहाँ पे आज हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बहुत जरूरी है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझो और जानो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आप भी पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, क्या वो आपकी बातों को मानते हैं? यदि वो आपकी बातों को मानते हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। यदि आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे गलत डायरेक्शन पे हैं, गलत रास्ते पे हैं, यानी गलत दिशा में हैं। उन सभी लोगों के लिए ठीक करने के लिए आपको दुआ करना होगा, आपको अपने तरीके से उन्हें डील करना होगा, उन्हें समझाना होगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज आप अपने मन में विचार करते हैं कि परमेश्वर ने जो मुझे शिक्षा दी है बहुत उत्तम है, और जो परमेश्वर ने शिक्षा दी है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपने माता का अकेला दुलारा था,
और मेरा पिता मुझसे यह कह करके सिखाता था कि तेरा मन वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। यदि आज आप भी पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, यदि आज क्या अपने बच्चों को आप गलत शिक्षा देंगे? सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देंगे? कभी भी नहीं देंगे। तो हमारा परमेश्वर कैसे आपको गलत शिक्षा दे सकता है? तो इस तरीके जब आप अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हर एक गलत रास्तों से बचाना चाहिए। संसार में तो हालांकि हर एक चीजों से गलत रास्ते से नहीं निकला जा सकता है, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि हम कोशिश करें, क्योंकि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो लड़ता है अंतिम तक लड़ता है उसकी जीत भी होती है। जो बीच में हार मान लेता है उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता है। इस बात को हमें एहसास करना होगा, इस बात को हमें समझना होगा। और यहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है 5 में, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम जो होता है बहुत कड़वा होता है और बहुत खतरनाक होता है। ये बात मेरे हर एक मसीह भाई बहन सभी लोग जानते हैं कि आज जो हम देखते हैं इतना बेविचार फैल चुका है समाज में, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको देखने को हर एक समाज में मिलेगा, क्योंकि ये इतना शैतान देख चुका है और शैतान इतना लुभाता है। ये बात हमें समझना चाहिए। यदि बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, ये हमारी नैतिक जीवन के लिए परमेश्वर कहता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, ये परमेश्वर हमारे लिए पर्सनल, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के लिए कहता है। ये वचन बहुत जरूरी है। पहले तो हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, शिक्षा को ग्रहण करना है, उसके शिक्षा से मुंह नहीं फेरना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो हमें सिखाने वाला है। यदि परमेश्वर को ये जरूरत न होती तो क्यों परमेश्वर लिखता इस वचन को, क्यों परमेश्वर इस वचन को लिखवाता? तो इसीलिए परमेश्वर जानता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी का नष्ट हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने यह भी जाना कि मैं जानता हूं कि आने वाली पीढ़ियों में बुराइयां फैलेंगी, आने वाली समस्याएं बहुत बड़ी होंगी, इसीलिए परमेश्वर ने रखा। परमेश्वर ने इसलिए रखा कि आपको इन बातों को समझना चाहिए कि आखिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। तो आज हमें इन बातों को हमेशा याद रखना है। जो बेविचार के संगति में आते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम तो करता ही है, लेकिन उन्हें दंड भी देता है, इस बात को याद रखना। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर रह और जिसकी देवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर कहता है, लेकिन जब उसके आगे बात बढ़ती है तब वो बुरा हो जाता है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, आप करिए अपने घर से, परिवार से, माता पिता, भाई बहनों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने रिलेशन से, अपने हर एक व्यक्तियों से प्रेम करें, प्यार करें, ये गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी स्त्रियों से आपको दूर रहना है जो आपको अपने वश में करना चाहती हूँ, और अपना सारा यश, अपना सारा मतलब हर एक चीज से आप उसके वश में हो जाएं, आप उसके बिना रह ना पाए। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये अपना यश और अपना क्रूर कभी मत खोना, इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपना जीवन का क्रूर जन के वश में मत कर देना, अपना यश बचा करके रखना। यश का मतलब है कि अपनी इज्जत,
अपना नाम, अपना घर, अपने बच्चों का नाम, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने लोगों का, यदि अपना यश आप बचा करके रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं छोटी सी गलती के कारण से उनका पूरा परिवार दूसरों के सामने सिर नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि ये बुराई है। यदि अच्छाई होती तो क्यों ना वसीना तान के चलते। आपको क्या समझ में आ रहा है? यदि कोई व्यक्ति सीना सर झुका करके चलता है, उसके बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं, तो इसका मतलब है समाज उन्हें बुरी नजर से देखता है। और ये भी हमें पता चलता है कि ये गलत था तभी ऐसे ये चल रहे हैं, वरना अपना सिर उठा करके चलते। कभी भी आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को इन बातों को सिखाना है और सुनाना है और समझाना है और उन्हें कहना है कि आपको प्रार्थना करना है। आप अपने बच्चों को ऐसी बातों को सिखाना चाहिए कि आज हमें इन बातों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं कि जीवन में और उसके परिवार में और उसके घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। ये बात सही है। अपने घर के लोग नहीं अच्छे लगते आपको, लेकिन दूसरा कोई अच्छा लगता है, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या आपके घर के लोग काटे हैं या फिर और चीज कुछ है? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे भाइयों, हमें क्या करना है? सीधे तौर पे बुराइयों से दूर रहना है। यदि हम बुराइयों से दूर रहेंगे तो अपने जीवन में हर एक चीज को कर पाएंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपकी बेटी और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपने हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका
चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत तोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार के ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानिय्येल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके सोर के राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानिय्येल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे, यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे, आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है, आप ने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर, जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, तो ही आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए, हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्या आए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी आप चंगे होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को
मुझे घर से मेरे हर प्रकार की समस्याओं से उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला इस मसीह के नाम से, जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द कोई तकलीफ इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से निकलने वाला इस मसीह के नाम से। सभी लोग जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए बोलिए इस मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के इस मसीह के नाम से दूर हो जाओ, इस मसीह के नाम से निकल, इस मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।